वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है जो एजेंट्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, उसमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। तो स्टूडेंट्स, बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स हैं जो आप कॉमन, सारे बर्ड्स तो नहीं करते पॉलिनेशन, पर काफी सारे जैसे हंड्रेड्स ऑफ द स्पीसीज ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की है, या आप नॉर्मल जो बर्ड्स देखते हो, पैरेट है, बुलबुल है, मैना, ठीक है, ये सारे जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, या ह्यूमिंग बर्ड है, ये सारे बर्ड क्या करते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं। दे एक्ट एज ए पोलिनेटरी एजेंट्स इन द सम प्लांट स्पीसीज। कुछ प्लांट स्पीसीज में वो पोलिनेटरी एजेंट का काम करते हैं। प्लांट कौन से है, जैसे कि बॉम्बेक्स है, एरिथ्रिना है, अगेव है, ये सारे प्लांट जो होते हैं इनके अंदर ये पॉलिनेशन करवाने का काम करते हैं। तो ऑर्निथोफिली क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की हेल्प से जो पॉलिनेशन होती है, किसकी हेल्प से? बर्ड्स की हेल्प से जो पॉलिनेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें बर्ड्स के, तो ह्यूमिंग बर्ड, पैरेट, बुलबुल, ठीक है, मैना, ये सारे जो इसके जो नॉर्मल एग्जाम्पल्स जो होते हैं, ये सारे ह्यूमिंग बर्ड है, पैरेट है, बुलबुल है, मैना है, ये सारे जो जो बर्ड्स हैं ये पोलिनेटर एजेंट का काम है करते हैं। प्लांट कौन कौन से? अगर प्लांट की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक तो बॉम्बैक्स हो गया, अगेव है, ये कुछ प्लांट हैं जिनके लिए पॉलिनेशन करवाने का काम करते हैं। इसके अंदर बॉम्बेक्स के अंदर, अगेव के अंदर, एरिथ्रिना के अंदर काफी सारे प्लांट है। ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज की बहुत सारे, ऑस्ट्रेलियन जो प्लांट होते हैं उनकी बहुत सारी स्पीसीज होती है जो जिनके अंदर ये पॉलिनेशन करवाने का काम करते हैं। अब जैसे एक ह्यूमिंग बर्ड है, ये प्लांट के ऊपर क्या ले जाएगा? जो उसके अंदर नेक्टर होगा, नेक्टर को लेने आएगा। अब जिस प्लांट पे ये नेक्टर लेने के लिए आता है, उस प्लांट के ऊपर, जिसके फ्लावर के ऊपर आएगा, तो स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो बर्ड है ये अपनी बॉडी वेट का लगभग आधा, पूरे बॉडी वेट का लगभग आधा जो वेट होगा, हाफ, उतना अमाउंट में वो नेक्टर ले लेता है प्लांट से। मतलब इसका बॉडी वेट 5 kg का है तो 2.5 kg ले लेगा, 1 kg का है तो 1/2 kg नेक्टर, इतना बॉडी नेक्टर कंटेन कर लेता है प्लांट से, प्लांट के फ्लावर से। नेक्टर क्या होता है? जो उनके अंदर स्वीट जूस होता है, जो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो उनके अंदर जो शुगरी सब्सटेंस, शुगर्स होती है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है, ठीक है, तो जो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है, स्वीट जूस इनको प्रोवाइड करती है। वॉटरी नेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो आपने एग्जाम्पल याद रखे हैं कि कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर ये बर्ड पॉलिनेशन होती है। अगर अब हम बात करें कि जो बर्ड पॉलिनेशन वाले फ्लावर के अंदर बर्ड पॉलिनेशन होती है, उनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि उनके फ्लावर किस प्रकार के हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर बर्ड आ रहा है तो फ्लावर का साइज क्या होगा? फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज। साइज इनका क्या होगा? लार्ज होगा। साइज इनका क्या होगा? बड़ा होगा। दे आर फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, जंगली फनल शेप, फनल टाइप होंगे ये थोड़े से खुले हुए, ठीक है, और दे आर या फ्लावर्स आर brightly colored होंगे,
large having large amount of watery nectar. बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स इनके अंदर क्या होगा, वॉटरी नेक्टर प्रेजेंट होगा. तो इनके अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या होता है आपको, फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज एंड जनरली फनल शेप. ठीक है, फ्लावर्स इनके क्या होंगे, बड़े होंगे, फनल शेप्ड होंगे. दूसरा क्या है, ब्राइटली कलर्ड होंगे. उसके अलावा क्या है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या है, वॉटरी नेक्टर सिक्रीट करेंगे. ठीक है, वॉटरी नेक्टर आपको होता है बहुत सारे अमाउंट का वॉटरी नेक्टर बर्ड्स इनसे लेके जाते हैं. दूसरा ब्राइटली कलर्ड की बात करें तो ये येलो, रेड, ऑरेंज, ठीक है, बहुत सारे कलर के होते हैं. क्यों अलग अलग कलर के होते हैं, टू अट्रैक्ट द बर्ड्स. बर्ड्स को ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करने से बर्ड्स उनकी तरफ आएगा नेक्टर लेने के लिए. वहां से नेक्टर लेगा, उसकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे. जब वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा, तो वो पोलन का ट्रांसफर हो जाएगा. यही क्या है अपनी पोलिनेशन है. तो ये स्टूडेंट्स अपना है पोलिनेशन बाय द बर्ड्स. पोलिनेशन बाय बर्ड्स में हमने क्या पढ़ा है फ्रेंड्स, जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो पोलिनेटर एजेंट का काम करते हैं. किन के अंदर काम करते हैं पोलिनेटर एजेंट का, कुछ प्लांट के एग्जांपल आपको यहाँ पे बताए हैं मैंने, कौन कौन से प्लांट, एरिथ्रिना, बॉम्बेक्स, अगेव, इन सभी प्लांट के अंदर काम करते हैं. और जो इनकी जो अडेप्टेशन है फ्लावर की, ये भी बताई है. अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगला जो है, पोलिनेशन बाय द बेड्स. पोलिनेशन बाय द बेड्स, पॉलिनेशन बाय बेड्स, कायोटेरोफिली. ठीक है, देखो आपको पता है बेड्स भी एक, बेड्स आर नॉक्टर्नल फ्लाइंग मेमल्स. मेमल्स में देखें तो फ्लाइंग मेमल्स की बात करें तो बर्ड्स होती है और बर्ड्स भी होते हैं. तो ये नॉक्टर्नल है. नॉक्टर्नल का मीनिंग आप मेरे को बताओ. वैसे आपको पता है नॉक्टर्नल क्या होता है, बर्ड्स का तो हम सभी जानते हैं. इनको दिखाई कब देता है या किस प्रकार से वो देख सकती है, किस प्रकार से वो वर्क करती है. ठीक है, तो बर्ड्स नॉक्टर्नल फ्लाइंग मेमल्स, ये भी पोलिनेशन करवाती है, ये भी पोलिनेशन करवाने का काम करती है. ये भी बहुत सारे प्लांट के ऊपर, काफी सारे प्लांट के ऊपर क्या करती है, पोलिनेशन करवाने का काम है करेगी. ठीक है, तो बेड्स क्या करेगी, फ्लावर के ऊपर जाएगी. इनमें भी फ्लावर क्या होंगे, लार्ज कलर्ड होंगे, लार्ज साइज फ्लावर होंगे, लार्ज साइज फ्लावर्स. ठीक है, उनके ऊपर जाएंगे वहीं पे. इसमें दूसरा अगर फ्लावर्स की बात करें, एडेप्टेशन की बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं फ्लावर्स की भी, प्लांट के अंदर जिन प्लांट में पोलिनेशन बाय बेड्स होती है, बेड्स के द्वारा अगर पोलिनेशन होती है फ्रेंड्स, तो उनके अंदर किस प्रकार के फ्लावर होंगे. तो साइज इनका लार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, ये पोलन बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ये रिलीज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, पोलन काफी सारे रिलीज करेंगे. उसके अलावा पोलन रिलीज क्यों कर रहा है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस तक पोलन कैरी कर लेते हैं, काफी दूर तक पोलन कैरी कर लेते हैं. लगभग हम बात करें 30 किलोमीटर तक भी ये पोलन ट्रांसफर का काम करते हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लगभग 30 किलोमीटर का तक भी ये पोलन ट्रांसफर का काम करते हैं. तो ये बेड की पोलिनेशन एग्जाम्पल में देखें तो इगेलिया पिनाटा प्लांट है, इगेलिया पिनाटा. ठीक है, उसके अंदर क्या होती है पोलिनेशन बाय, एडिशनिया है, उसके अंदर भी क्या होती है पोलिनेशन बाय द बेड्स होती है. बेड्स वाले फ्लावर आपको बता दें लार्ज साइज में होंगे, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा इसके अंदर रिलीज होंगे. और बेड्स नॉक्टर्नल मेमल्स है ये आपको पता है फ्रेंड्स, और ये पोलिनेशन करवाने का काम करती है किसके अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर, की गई या प्लांटा के अंदर, एडिसिनिया के अंदर. बहुत ही मतलब काफी विजिट करती है किसके लिए, अपने नेक्टर के लिए, अपने फूड के लिए. इनके ऊपर विजिट करेगी, इनके ऊपर पोलन ग्रेन लग जाएंगे, जो भी बेड्स जाएगी और काफी दूर तक बताए नियर अबाउट 30 किलोमीटर तक ये पोलन ग्रेन लेके जा सकती है. तो ये स्टूडेंट्स अपने जो पोलिनेटर एजेंट्स हैं,
एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट, वो टॉपिक अपना पूरा क्रॉस पॉलिनेशन का हो गया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके मैं आपको बता दूंगा, वैसे सिंपल सा आपको डिफरेंस पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो उसके अंदर हम आगे जब किस प्रकार से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, पोलन ट्यूब किस प्रकार से निकलती है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होती है, वो टॉपिक देखेंगे। तो आज आपने दोनों जो पोलिनेशन बाय द बर्ड्स एंड पोलिनेशन बाय बेड्स देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।